अभी आप देख सकते हैं 00 रेटिंग। गुरुजी परमिशन है आपकी चालू की है? हाँ परमिशन। अभी हम है IIT भिलाई में, इन्होंने मिट्टी का PH और NPK चेक करने की, ये सेंसिटिव यानी सेंसर से यानी तरंगों से चेक करने की मशीन बनाई है। आइए इसका प्रयोग हम देखते हैं। अभी जमीन में ऊर्जा जल नहीं डाला गया। हाँ ऊर्जा जल नहीं डाला गया, नॉर्मल जमीन है। हाँ अभी हम इसको चेक करेंगे, नॉर्मल जमीन में ऊर्जा जल नहीं डाला गया इस जमीन में, और चेक करेंगे। दिखाओ इसको। अभी ये 20 से 30 सेकंड लेगा। अच्छा 20 से 30 सेकंड लेगा जी, उसमें हमको ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अभी ये वेरी करेगा, अभी मेजरमेंट कर रहा है। हाँ जी जी, जैसे ये स्टेबल हो जाएगा तो हम मानेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू आई है। अच्छा। अभी एग्जैक्ट हो गया सर, अब हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसमें है क्या क्या ये बताओ। इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू सबसे ऊपर दिखा रही है। हाँ 107 जी। उसके बाद जो दिखा रहा है फास्फोरस है सर 38 जी, और उसका पोटास है 54 जी, NPK। हाँ ठीक है, हमने उठा लिया। अब हमको यहाँ क्या डालना है, ऊर्जा जल। अभी हमने अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी डाल के ये बनाए ऊर्जा जल। अब ये ऊर्जा जल इन्हें बनाया, ये हम डालते हैं। देखो जहाँ पर pH रखा गया था वहीं हम डालते हैं ऊर्जा जल, है ना। ये ऊर्जा जल हमने इसमें डाल दिया। अब लगाइए भाई आपका pH मीटर। अब इसको देखो ये जीरो है। हाँ जीरो है, दो मिनट रुकते हैं। नहीं यहाँ पर करेंगे तो अच्छा। अच्छा वो चलिए ज़्यादा नीचे डाल सकते हैं। अब हाथ छोड़ो। बढ़ रहा है 204 जोरदार तालियां। 211 215 प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ कि 220 और 223 231 118 और फास्फोरस 84 डालने के बाद। और जभी कितना था भाई, जभी 38 और 54 था। तो पहले जो है नाइट्रोजन कितना था, 107, अभी पहुंच गया 236 में, यानी दुगना हो चुका है, तिगुना हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, अभी बढ़ ही रहा है। क्या बात है। और फास्फोरस कितना था, 38, अभी कितना हो गया, 84, तो ये भी लगभग दुगना, ढाई गुना हो चुका। और पोटास पहले कितना था, 54, हाँ अभी कितना हो गया, 120, तो ये भी लगभग जो है दुगना से ज्यादा हो गया। तो ऊर्जा जल एक बार डालते ही और NPK ढाई गुना हो गया है, कमाल। परशुराम और माधव स्वामी पोद्दार जी की। देखो पहले जो है नाइट्रोजन था 107 और अभी नाइट्रोजन है 237, ठीक है। पहले फास्फोरस था 38, अभी कितना है, 84। पहले पोटास था 54, अभी कितना है, 117। हाँ 117। तो इतना बड़ा है अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी के पानी के कमाल से। और पूरे भारत में इसकी आलोचना लोग कर रहे थे कि बिल जी भाई कुछ भी डलवाते हैं, राख डलवाते और फिटकरी डलाते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, मैंने जैसे आपको अग्निहोत्र बताया तो शुरू में ऐसा लगा कि पूजा पाठ से खेती कुछ होती है, शुरू में ऐसा संशय तो हुआ नहीं हुआ, पर शुरू में ऐसा लगता तो है कि पूजा पाठ से कुछ होता है। अभी IIT के सेंसर ने बता दिया कि ऊर्जा जल डालने से नाइट्रोजन बढ़ गया ढाई गुना, पोटास बढ़ गया ढाई गुना और फास्फोरस बढ़ गया ढाई गुना, केवल ऊर्जा जल डालने से। 3 दिन हमने प्रशिक्षण लिया, कैसा लगा भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसानों का दर्द ने आपको जो है इस पे रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अब दूसरा जो है मुझे बताइए ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ये बता पाता है। एक्चुअली इसमें इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कि बेसिकली जो मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर और pH ये सारे पैरामीटर को रेट कर सकता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं इसमें केवल NPK की मेजरमेंट है, इसका मॉडल 2 है,
जिसमें और भी ज्यादा सेंसर्स की मेजरमेंट हो सकती है। तो ये IIT और साथ में IGKV का भी कोलेबोरेशन है इसमें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं, नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं, इसमें जस्ट बैटरी चार्ज करना होता है। चार्जेबल पोर्ट इसमें अभी हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें नहीं है, तो जस्ट चार्ज कर लीजिए और पोर्टेबल है, कहीं पर भी लगा करके इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब इसका क्या खर्च क्या आएगा, क्या मूल्य इसका बनेगा? इसका मूल्य अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि साथ में और भी लोगों ने इसको मिल करके बनाया है, तो मैं कुछ अभी कर लीजिए। जी जी। अच्छा, ये इसको हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कनेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और भी अलग अलग मॉडल है जो कि आप इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, सेकंड थर्ड जो मॉडल है हमारा मिट्टी में पूरा गाड़ जाएगा, एक कॉमन तार बाहर निकलेगा और उसमें सोलर पैनल के थ्रू उसको ऊर्जा मिलेगी, मैसेज जाता रहेगा, मैसेज मोबाइल में जाता रहेगा। इवन एक थर्ड फोर्थ मॉडल हमारा वो ये भी है जहाँ पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो थ्रू लोरा टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, तो बिना इंटरनेट बिना किसी सिम टावर के भी आप डेटा जो है आप अपने घर पर अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी जैसे हमने ऊर्जा जल बनाया, उसमें भस्म जो है अग्निहोत्र से हम तैयार करते हैं और फिट करें, कोई बहुत लागत है क्या? नहीं। कोई लागत है? सरल है, सस्ता भी है और बहुत सहज भी है, मतलब कहीं भी ला ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं पिछले एक मतलब पिछले 3 साल से 100 ग्राम किसानों को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ कि भाई इसको डालो, मिट्टी पॉजिटिव होगी और फसल बढ़ती है। अब लोग इसको जो है ऐसा समझ रहे थे इससे क्या होगा, लेकिन आज हमने देख लिया तत्काल मिट्टी में NPK 2.5 गुना बढ़ गया। छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है। अभी जो है 2.5 साल से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इस जो है एक इंस्ट्रूमेंट से सिद्ध हो गया, ऐसे TCBT के सभी फार्मूलों में रिजल्ट हैं, बस ऐसे IITN की जरूरत है जो उसको प्रमाणित कर दे। अब ये हो गया, आप सब अग्निहोत्र करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ जरा, दिखा दो भैया इतने लोग। हाँ करें, पक्का? सभी बोलो गुरु जी की जय। और IIT वाले भैया इंजीनियरों की जय।